नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल ग्लोबलपुर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास टेंथ मैथ का एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से 5 तक का कर दिए हैं। इसमें 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चन बचा हुआ है और तीनों क्वेश्चन को इस वीडियो में सलूशन करेंगे, जिसमें से छठा जो है, छठा क्या कह रहा है, पढ़ते क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है। 6 में लिखा है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4-6, B 1-5, C 7-2 है। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD by AB equal to AE by AC equal to 1/4 है। फिर बोल रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। देखिए, यहाँ फिगर बना लिए हैं। ABC त्रिभुज है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये D और E ये दोनों भुजा जो क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार है कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर 1/4 है। तब पूछ रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, ADE का क्षेत्रफल निकालने के लिए D और E का निर्देशांक जानना जरूरी है। तो पहले क्या करते हैं, D और E का निर्देशांक जानते हैं, उसके बाद त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार चलें तो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर 1/4। अगर ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादा इसको लंबा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनुपात में ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखिए, AD और AE, AD और AE ये कह रहे हैं कि एक भाग है। उसके बाद AB और AC, ये AB ये टोटल 4 भाग है। उसी तरह ये भी टोटल 4 भाग है। अब सोचिए, AB टोटल 4 भाग है, जिसमें से AD जो है एक भाग है। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 भाग और ये भी हो जाएगा 3 भाग। अनुपात में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बाकी बात, इसको लॉन्ग प्रोसेस से निकाला जा सकता है, हम डायरेक्ट यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ से अगर हम अनुपात निकालें तो AD बाय DB बराबर हो जाएगा AE बाय EC। तो ये 1/4 और DB या EC का मान जो है वो हो जाएगा 3। यहाँ से अनुपात पता चल गया, 1:3 में विभाजित कर रहा है D और E। अब D और E का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि D AB को 1:3 में विभाजित करता है, तो इसलिए D का निर्देशांक बराबर, देखिए D का निर्देशांक क्या होगा, mx2 होता है। तो m का मान हो गया 1 × x2, यानी AB लिया तो x2 का मान है 1, प्लस n का मान हो गया 3 गुना और x1 का मान हो गया 4 बटे m प्लस n, यानी 1+3 हो जाएगा। और y निर्देशांक हो जाएगा 1 × y2 का मान है 5 बटे प्लस में हो जाएगा इधर y1, यानी कि 3 × y1 का मान है 6 और बटे में हो गया 1+3। यहां से इसका निर्देशांक को सॉल्व कर ले, हो जाएगा 1 × 1 = 3 × 4 = 12 = 13 बटे हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 6 × 3 = 18 5 × 5 = 18 5 = 23
18 5 23 बटे हो गया 4। यहाँ से बिंदु डी का निर्देशांक पता चल गया, लिख लेते हैं बिंदु डी का निर्देशांक 13/4 और इधर हो गया 23/4, ये हुआ डी का निर्देशांक। इसी तरह निकाल लेते हैं बिंदु ई का निर्देशांक, तो इसी प्रकार डायरेक्ट लिख देते हैं, इसी प्रकार बिंदु ई का निर्देशांक, बिंदु ई का निर्देशांक निकालेंगे तो उसका भी अनुपात 1:3 ही है, तो वो भी हो जाएगा, ये भी 1:3 भी 3 ही है, तो 1 × x1 x2 का मान इधर जो है एसी के लिए बनेगा 3 7, एसी के लिए बनेगा 7 प्लस 3 × x1 बनेगा 4 बाय 1 + 3, और y की बात करते हैं तो y2 बनेगा 2, y1 बनेगा 6, हो जाएगा 1 × 2 + 3 × 6 बाय 1 + 3, और यहाँ से इसका निर्देशांक निकल जाएगा 7 × 7 = 12 × 7 = 19 बटे हो जाएगा 4, और ये हो गया 2 × 2 = 18 18 × 2 = 20 20/4 करेंगे तो ये कट के 5 बार में कट जाएगा, इसको हम काट के लिख देते डायरेक्ट 5। यहाँ से बिंदु ई का निर्देशांक पता चल गया, ई का निर्देशांक 19/4 और यहाँ 5, तो यहाँ से डी ई का निर्देशांक पता कर लिए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए डी ई का क्षेत्रफल बताइए, यहाँ से हम दोनों का निर्देशांक निकाल लिए, अब क्षेत्रफल देखते हैं क्या होगा। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला लिख लिए हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में, ½ x1 × y2 − y3 + x2 × y3 − y1 + x3 × y1 − y2। इसमें अब उस मान बिठा के सॉल्व करते हैं तो ए डी ई का क्षेत्रफल लिख लेगा, हो गया 1/2 x1, x1 का मान 4 इंटू y2 बनेगा ये, तो 23/4 माइनस y3 बनेगा 5 और प्लस x2 का मान हो गया 13/4 और y3 का मान है 5 माइनस y1 का मान हो गया 6 प्लस x3 का मान है 19/4 इंटू y1 का मान 6 माइनस y2 का मान 23/4। यहाँ से इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा, सॉल्व आगे करेंगे तो 1/2, यहाँ से एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये 20 घट जाएगा 3, यानी कि 3/4 हो जाएगा, तो 4 × 3/4, ये अंदर वाला को सॉल्व किए एलसीएम लेके, उसी तरह यहाँ 13/4 और ये हो गया −1 + 19/4 और इंटू हो गया ये 24 − 23, हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व आगे करते हैं तो हाफ ये 4 कट गया 3 हो गया प्लस इंटू माइनस हो जाएगा −13/4 और यहाँ से +19/16 हो जाएगा। एलसीएम ले अंदर में तो हो जाएगा 16, ये 48 हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1 है, माइनस ये हो गया 4 में होगा तो यहाँ से 52 + 9
19 हो गया ये। अब इसको सॉल्व आगे करें तो 1/2 इंटू यहाँ से हो गया -4, यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 15 बाय 16 हो जाएगा। और इसका मोड है तो फाइनल निकल जाएगा 15 बाय 32। ये जो है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकला, और यूनिट नहीं है तो वर्ग, इकाई या फिर मात्रक लिख सकते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकला। आगे क्या करें, आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन 6 में ही आगे ये भी कहा था कि त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ तुलना करने के लिए बोला था, इसलिए पहले ABC का क्षेत्रफल भी पता करते हैं क्या होगा। तो फॉर्मूला लिख दिए हैं, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिख दिए। अब इसमें पुट करके फटाफट सॉल्व करते हैं। ये हो गया हाफ x1 का मान हो गया 4, y2 -y3, y2 5, y3 2 हो जाएगा 5 -2 प्लस x2 का मान हो जाएगा 1 इंटू y3 -y1, y3 का मान है 2, y1 का मान है 6 हो जाएगा 2 -6 प्लस x3 का मान है 7 और y1 -y2, y1 का मान 6, y2 का मान 5, 6 -5 हो जाएगा। और यहाँ से इसका मॉड हो गया तो मॉड हाफ ये 4 और यहाँ हो गया 3, 4 इंटू 3 करेंगे 12 प्लस यहाँ हो जाएगा -4 प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस और 4 एक ही 4 यानी हो जाएगा प्लस यहाँ 1 होगा 7 हो गया ये। और यहाँ से इसको आगे बढ़ाएं तो हाफ इंटू में ये हो गया 19 में से 4 घट जाएगा 15, तो 15 फाइनल निकल गया 15/2 वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रक। ये अभी ये आंसर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल से तुलना कीजिए। देखिए तुलना मतलब हुआ कि अनुपात निकाल दीजिए, हो गया। लिखेंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तुलना करने के लिए बोल रहे हैं, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, वही होगा तुलना में। तो ADE का क्षेत्रफल निकाले थे, निकला था 15/32 इसका ADE का क्षेत्रफल, अब बाय हो जाएगा 15/2। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से 15 कट जाएगा, फिर भी देखिए 15/32 2 चल जाएगा ऊपर, 15 नीचे है, यहाँ से ये दोनों कट गया और इसको करेंगे तो 1 यहाँ 16 हो जाएगा, तो 1/16 होगा। इसको अगर अनुपात में कन्वर्ट करें हो जाएगा 1:2 यानी 1:16। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसमें लास्ट में तुलना करने के लिए बोल रहा था, तुलना यहाँ निकल गया यानी 1:16 ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि मान लीजिए A 4:2, B 6:5 और C 1:4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो एक नंबर में लिखा है कि A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है और बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन बोला है 7 में, क्वेश्चन कह रहे कि इस A से जाने वाली माध्यिका BC के D पर मिलती है। देखिए क्वेश्चन लिखा स्पष्ट माध्यिका है, इसका मतलब D जो है BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो कह रहे कि D का निर्देशांक निकालिए। तो मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। तो देखिए फटाफट कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि D BC का
माध्य बिंदु है, तो बीसी का माध्य बिंदु है, तो पता है कि डी डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू, यानी कि सिक्स प्लस वन बाय टू, और वाई निर्देशांक हो जाएगा फाइव प्लस फोर बाय टू। यहाँ से इसको अगर सॉल्व कर दें हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा 9/2, यानी इस डी का निर्देशांक पता चल गया 7/2 और 9/2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का एक का आंसर हुआ। अब इसी में देखते हैं दो नंबर क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। दो में कह रहे हैं कि AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि AP अनुपात PD बराबर 2:1 है। क्वेश्चन का ये कहना है कि ये जो AD देख रहे हैं, इसी AD पर P एक ऐसा बिंदु है। देखिए P मान लेते हैं, ये P है, P एक ऐसा बिंदु है जो AD को 2:1 में विभाजित कर रहा है। ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि AP अनुपात PD बराबर 2:1, तो कह रहे कि इस P का निर्देशांक बताइए। अब सोचिए ये AD को P 2:1 में बांट रहा है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो लिखेंगे क्योंकि P AD को 2:1 में विभाजित करता है, तो इसलिए P का निर्देशांक बराबर, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए सूत्र होता है MX2, M का मान हो गया 2X2। अगर इस दोनों की बात करते हैं तो X2 होगा 7/2, उसके बाद प्लस N का मान है 1 गुने X1 का मान होगा 4, और Y हो जाएगा 2+1, यानी M प्लस N होता है। उसी तरह Y निर्देशांक चलेंगे तो 2 × Y2 का मान होगा 9/2 प्लस 1 × 2 / 2+1। इसको आगे करें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 7+4 = 4, तो 11/3 हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए ये 9+2 11/3। ये क्वेश्चन नंबर 7 का 2 का आंसर हुआ, जो कि क्वेश्चन में लिखा है कि वो P का निर्देशांक बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिसमें कि दे दिया है कि BQ अनुपात QE बराबर 2:1 और CR अनुपात RF बराबर दे दिया है 2:1। मतलब इसका जो 3 माध्यिका होता है वो तीनों माध्यिका में बोल रहा है कि यही चीज कीजिए जो अभी हम 1 और 2 में किए हैं। अब ध्यान से देखना है, क्वेश्चन के अनुसार अगर 20 माध्यिका खींचें तो यहाँ मान लेते हैं ये ई हो गया इसका माध्यिका, उसके बाद उसी तरह सी से खींचें ये एफ हो गया AB का मध्य बिंदु, फिर ये भी कहा है कि इस BE पर R एक बिंदु है जो इसको 2:1 में बांट रहा है, उसी तरह CF पर Q एक ऐसा बिंदु है, PQ पहले इसमें Q होगा तब इसमें R होगा, R एक बिंदु है जिसको कि इसे भी 2:1 में बांट रहा है, तो जस्ट 1 नंबर और 2 नंबर के जैसा ही ये दोनों होगा।
तो पहले निकालते हैं ई का निर्देशांक, उसके बाद यहाँ जो बिंदु है क्यू उसका निर्देशांक, फिर उसी तरह ये पहले एफ का निकालेंगे, फिर एफ पर बिंदु आर जो है उसका निर्देशांक। देखिए यहाँ से लिखेंगे, चूंकि ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, इसलिए ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु है तो एक्स वन प्लस एक्स टू, फोर प्लस वन बाय टू, टू प्लस फोर बाय टू, फोर प्लस वन बाय टू और टू प्लस फोर बाय टू, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया फाइव बाय टू, यह हो जाएगा सिक्स बाय टू यानी थ्री। यहाँ से ई का निर्देशांक निकाल लिए। अब ये क्वेश्चन कहा है कि इस ई पर क्यू एक ऐसा बिंदु है, ये मान लेते अलग है लेकिन ये वास्तव में वही होता है, क्यू एक ऐसा बिंदु है जो दो अनुपात एक में इसको भी बांट रहा है, तो फिर वहाँ लिखेंगे कि चूंकि क्यू, ये क्यू जो है बी ई को दो अनुपात एक में विभाजित करता है, इसलिए Q का निर्देशांक बराबर, देखिए mx2 का मान हो गया दो गुना, जब BE की बात हो रहा है इसका निर्देशांक क्या लिख सकते हैं, यहाँ E का निकल गया 5/2 और 3, तो BE की बात करते हैं तो x2 हो गया 5/2 प्लस n का मान एक गुना x1 का मान है 6 बाय 2 प्लस 1। उसी तरह y निकालेंगे तो 2 इंटू वाई का यानी y2 हो गया 3 प्लस 1 इंटू y1 हो गया 5 बाय 2 प्लस 1। इसको आगे बढ़ा दें तो देखिए 2 कैंसिल, यहाँ 5 हुआ, 5 प्लस 6 11/3 और उसी तरह यहाँ 6 प्लस 5 11/3, ये हुआ Q का निर्देशांक। सेम इसी तरह इसमें चलना है CF में, तो पहले F का निर्देशांक निकालते हैं, लिखेंगे पुनः F जो है इसका AB का मध्य बिंदु है, इसलिए F का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु है, मिडल पॉइंट है, 4 प्लस 6 बाय 2 और 2 प्लस 5 बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए 10 हुआ और बाय 2 है तो कट के हो जाएगा 5 और ये हो गया 7/2। यहाँ से इस F का निर्देशांक निकल गया 5 और 7/2। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस CF पर यहाँ R कोई बिंदु है जो कि इसको 2:1 में बांट रहे हैं, फिर वही बात बोल रहे हैं 2:1 में, कह रहे कि उस R का भी निर्देशांक निकालिए। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे चूंकि R CF को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है, तो इसलिए R का निर्देशांक बराबर यानी mx2, m का मान हो गया 2, देखिए CF की बात कर रहे हैं, CF तो mx2 बनेगा 5, तो 5 बाय अच्छा प्लस भी होगा यहाँ n का मान 1 इंटू x1 का मान हो जाएगा 1
बाय 2+1 यानी m प्लस एम, एम प्लस एन होता है 2+1। उसी तरह y करेंगे तो 2 × यानी कि एम एक्स एम वाई टू, वाई टू कॉमन 7/2, 7/2 प्लस 1 × वाई वन कॉमन है 4 बाय 2+1। इसको आगे बढ़ा दें तो हो जाएगा 10+1 11/3 और ये 2 कैंसिल 4+7 11/3। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का 3 का पूरा आंसर। एक आंसर यहाँ हुआ, एक आंसर ये हुआ। अब 4 में क्या कर रहा है वो पढ़ते हैं। 4 में तो 4 में लिखा है कि आप क्या देखते हैं, मतलब अभी तक हमने पाया कि P का निर्देशांक भी 11/3 11/3, Q का निर्देशांक भी 11/3 11/3 और R का निर्देशांक भी 11/3 11/3। मतलब P, Q, R तीनों बिंदुओं का निर्देशांक समान निकला है 11/3 11/3। हमने ये देखा, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं। 4 में पूछा है कि आपने क्या देखा है, यहाँ लिखेंगे हमने देखा कि बिंदु P, Q और R का निर्देशांक समान है, मतलब बराबर निकला है। अब इसी जगह देखिए कोष्ट में लिखा हुआ है, 4 के नीचे में लिखा है कि नोट में वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो, सर्वनिष्ठ मतलब तीनों में कॉमन हो, तीनों माध्यिका में उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका कहना है कि तीनों माध्यिका के उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। देखिए पी क्यू आर जो है तीनों बराबर ही निकला है, इसका मतलब पी क्यू आर एक ही बिंदु है और एक ही बिंदु है तो उसी बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, जो कि त्रिभुज का जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब इसी थ्योरी का उपयोग करके क्वेश्चन नंबर 7 का 5 जो है उसको निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 7 में, 7 के 5 में लिखा है कि यदि A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हम फिगर बना लिए हैं, ABC का निर्देशांक लिख दिए जो क्वेश्चन में कह रहे हैं। अब करें कि इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालिए। अभी जस्ट ऊपर 7 का 1, 2, 3, 4 ये चारों हिसाब से हमने पाया कि त्रिभुज का जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, उसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए केंद्रक मान लिए जी है और इसका निर्देशांक एक्स और वाई है जो कि ये माध्यिका है और माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये याद भी रखना है कि किसी भी त्रिभुज का केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। अब क्या करना है, करें कि इसका निर्देशांक बताइए इस केंद्रक का क्या होगा। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए पहले डी का चाहिए, क्योंकि डी निकलेगा तब जो है इसको 2:1 में बांटेगा कर लेंगे। तो डी का निकालने के लिए अब देखिए ये माध्यिका है, माध्यिका है तो डी जो है बीसी का हो जाएगा मिडल पॉइंट, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का तो सिंपल होता है, देखिए यहाँ लिखना है चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है इसलिए डी का निर्देशांक, देखिए डी का कैसे निकलेगा, मिडल पॉइंट के लिए होता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, यहाँ x2 + x3 / 2 होगा
तो हो गया एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू, और उसी तरह वाई टू प्लस वाई थ्री बाय हो गया टू। यहाँ से इस डी का निर्देशांक पता चल गया है क्या होगा, लेकिन हमको इस डी का नहीं पूछा है, पूछा है इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बताइए। अब इसका पता चल गया, केंद्रक का निकलना है। यहाँ देखिए दो अनुपात एक में विभाजित कर रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे कि जी जी एडी को दो अनुपात एक में विभाजित करता है, तो इसी जी का निर्देशांक चाहिए, इसलिए जी का निर्देशांक, तो जी का निर्देशांक क्या होगा, देखिए फॉर्मूला अपना वही लगेगा, एम एक्स टू, एम का मान हो गया दो, एक्स टू, यहाँ जो डी का निर्देशांक निकला है एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू, वाई टू प्लस वाई थ्री बाय टू, ये डी का निर्देशांक। तो फॉर्मूला होता है एक्स एम एक्स टू, एम का मान टू, और ए डी की बात करते हैं तो एक्स टू बना है बनेगा, ये तो हो जाएगा एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू प्लस एन एक्स वन, एन का मान एक गुना एक्स वन, एक्स वन का मान हो गया यहाँ एक्स वन बाय ये टू, तो इसका है, और ये हो गया एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन बाय एम प्लस एन, एम का मान टू प्लस एन का मान एक। उसी तरह वाई में चलेंगे तो टू इंटू वाई निर्देशांक यहाँ है ये हो जाएगा वाई टू प्लस वाई थ्री बाय टू, उसी तरह वन इंटू और एक्स टू वाई वन का मान है वाई वन बाय एम प्लस एन, एम का मान टू प्लस वन। यहाँ से देखते हैं तो ये टू टू कैंसिल, यहाँ भी टू टू कैंसिल, तो फाइनल जो निकलेगा एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन, सीधा करके लिख देंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू, टू नहीं थ्री हो जाएगा, और उसी तरह ऊपर में वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री। तो देखिए जी का निर्देशांक निकल गया, और इस जी को हम त्रिभुज का केंद्रक माने, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सात का पाँच का आंसर निकल गया कि किसी भी त्रिभुज का अगर केंद्रक का निकालना है निर्देशांक, तो उसके लिए फॉर्मूला तैयार हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री। ये क्वेश्चन नंबर सात के पाँच का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आठ में कह रहे कि बिंदुओं ए माइनस एक बी माइनस एक चार सी पाँच चार और डी पाँच माइनस एक से एक आयत ए बी सी डी बनता है, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी, यानी ए बी पर पी है, उसके बाद बी सी पर क्यू है, और सी डी पर आर है, और ए डी पर यानी डी ए पर एस है। तो कह रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, ये भी कह दिया कि ये जितना भी बिंदु देख रहे हैं सब प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु है। तो कह रहे हैं कि क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक वर्ग है, क्या यह एक आयत है, क्या यह एक समचतुर्भुज है, कारण सो कारण उत्तर दीजिए। तो देखिए हमसे पूछा है पी क्यू आर एस के बारे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, निर्देशांक चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे। तो चलिए निर्देशांक मौखिक के निकालते, इसको बोर्ड पर नहीं करेंगे सॉल्व, मौखिक निकाल देते हैं। देखिए कह रहे हैं कि मिडल पॉइंट है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है,
एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो, यहाँ करके निकाल देते माइनस एक प्लस माइनस एक बटे दो, तो हो जाएगा माइनस दो बटे दो, कट के हो जाएगा माइनस एक, तो यहाँ हो गया माइनस एक। उसी तरह y1 हो गया माइनस एक, उसके बाद y2 हो गया चार, तो प्लस चार बटे हो जाएगा दो, हो गया तीन बटे दो। अति चारों का निर्देशांक निकाल चुके हैं। अब हमसे जो पूछा है PQRS के बारे में बताइए, तो चलिए इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करके फटाफट निकालते हैं। PQ पहले निकालते हैं क्या होगा, PQ बराबर सूत्र क्या आता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, पी क्यू यानी दो माइनस एक और चार माइनस तीन बटे दो, दो माइनस एक तो माइनस माइनस प्लस एक का स्क्वायर, प्लस चार माइनस तीन बटे दो, चार माइनस तीन बटे दो का स्क्वायर, ये हो गया तीन गुना तीन नौ, और ये हो गया चार दुना आठ माइनस पाँच, डायरेक्ट कर लेते हैं, आठ में से तीन गया पाँच बटे दो, तो पाँच बटे दो होगा तो पच्चीस बटे हो जाएगा चार। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये छत्तीस प्लस पच्चीस इकसठ बटे चार, और इकसठ तो निकलेगा नहीं लेकिन चार निकलेगा, ये हुआ पी क्यू। उसी तरह निकाल लेते क्यू आर, क्यू आर यानी पाँच माइनस दो, पाँच माइनस दो का स्क्वायर प्लस चार यानी पी क्यू, तीन बटे दो माइनस चार, तीन बटे दो माइनस चार का स्क्वायर, इसका रूट, ये हो गया पाँच में से दो गया तीन का स्क्वायर नौ, प्लस उसी तरह यहाँ एलसीएम लेंगे तो होगा दो, तो चार दुना हो जाएगा आठ, माइनस आठ प्लस तीन तो होगा माइनस पाँच, पाँच का स्क्वायर पच्चीस बटे में हो जाएगा चार। अब ध्यान से देखिए ये ऊपर वाला के जैसा ही है, इसलिए डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं रूट इकसठ बटे दो पी क्यू क्यू आर। अब निकाल लेते हैं आर एस, आर एस आर एस तो दो माइनस पाँच, दो माइनस पाँच का स्क्वायर प्लस माइनस एक माइनस तीन बटे दो, माइनस एक माइनस तीन बटे दो का स्क्वायर, ये हो गया तीन, माइनस तीन का स्क्वायर नौ, प्लस माइनस यानी दो इकाई दो माइनस पाँच, यहाँ भी हो गया पच्चीस बटे चार। ये भी देखिए यही ऊपर वाला ही है, इसको भी लिख सकते हैं रूट इकसठ बटे दो आर एस हुआ। अब एस पी निकाल लेते हैं, एस पी निकालेंगे एस पी तो माइनस एक माइनस दो, माइनस एक माइनस दो प्लस तीन बटे दो माइनस एक, तीन बटे दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया तीन, तो तीन का स्क्वायर नौ, और ये दो इकाई दो प्लस तीन पाँच, पाँच का स्क्वायर पच्चीस बाय फोर, ये भी देखिए वही है, इसको भी लिख सकते हैं रूट इकसठ बटे दो। यहाँ से पी क्यू आर एस का चारों भुजा निकाले हैं और चारों भुजा देख रहे हैं बराबर है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि ये समचतुर्भुज है या फिर वर्ग है, उसके लिए हमको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, तब निष्कर्ष निकाल सकते हैं वर्ग है या नहीं है। देखिए विकर्ण ये कोना कोनी वाला निकालते हैं, मतलब पी एस पी आर और ये क्यू एस निकालना पड़ेगा, तो विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण पी आर निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए पी आर, पी आर यानी पाँच माइनस एक,
पाँच माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा, प्लस तीन बटे दो माइनस तीन बटे दो, तीन बटे दो माइनस तीन बटे दो, इसका स्क्वायर का रूट होगा। ये हो गया छः का स्क्वायर 36, और ये तो जीरो हो गया, तो 36 का वर्गमूल 6, विकर्ण निकल गया। अब ये भी विकर्ण निकाल लेते, क्यू एस, क्यू एस निकालेंगे, क्यू एस हो जाएगा दो माइनस दो, दो माइनस दो का स्क्वायर प्लस माइनस एक माइनस चार, माइनस एक माइनस चार का स्क्वायर, और इसका रूट, ये जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो, और ये माइनस पाँच, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा पाँच। यहाँ से देख रहे हैं चारों भुजा तो बराबर है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, और विकर्ण बराबर नहीं है इसका मतलब पी क्यू आर एस जो है ये समचतुर्भुज है। अगर विकर्ण बराबर आता तो ये वर्ग होता। यहाँ से लिखेंगे चूँकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी तथा विकर्ण पी आर बराबर नहीं है क्यू एस, लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। यहाँ से ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का, और ये एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये चैप्टर 7 का भी लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से चैप्टर 7 बिल्कुल समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।